कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो मेरा नाम है गुलनार शेख और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अभी मैं जा रही हूँ मोहम्मद अली रोड और वहाँ पे रमजान की रौनक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा, मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं पहुंच चुकी हूं अभी मोहम्मद अली रोड पे, ये खाओ गली पे। तो आप देख सकते हो यहां से जो है खाओ गली स्टार्ट हो गई है और ये फर्स्ट सुलेमान उस्मान मिठाई वाला, यहां से जो है पूरी रौनक लगी हुई है। देख सकते हो आप माशाल्लाह से कितना रश है। मैं यहां पे फ्राइडे नाइट को आई हूं और बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर। और देखिए एक से एक चीज़ें हैं यहाँ पर कि मैं आपको बता नहीं सकती, एक से एक मतलब खाने की वैरायटी। और यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही 3-4 शॉप छोड़ के ही हम लोग अंदर आ गए और यहाँ पर जो है हमने कुछ चीज़ें मंगाई थी जो कि टेस्ट में काफ़ी अच्छी थी। तो आप देख सकते हो ये लारे फास्ट फूड सेंटर में यहाँ पर आ गई थी। यहाँ पर मैंने चिकन रोल मंगाया था तो ये भी टेस्ट में काफ़ी अच्छा था, तो मैंने ये टेस्ट भी किया। और मैं लाई थी मेरी छोटी बहन और मेरे बड़े वाले बेटे को, तो यह चिकन रोल भी अच्छा था माशाल्लाह से, ये भी हम लोगों ने खाया। इसके बाद में ये चिकन का ये लेग पीस हम लोगों ने मंगाया जिसका टेस्ट एवरेज था, मतलब इतना कुछ खास टेस्ट नहीं था, लेकिन खाने की बुराई नहीं करना चाहिए, तो माशाल्लाह ये भी अच्छा था, तो ये भी हम लोगों ने खा लिया। उसके बाद में जो है लास्ट में हम लोगों ने एक चीज़ मंगाई, यहाँ से बस तीन ही चीज़ें मंगाई थी, ये नान चाप मंगाया, चिकन नान चाप, जो कि ये लोगों ने प्रॉपर तरीके से बनाया नहीं तो ये काफ़ी अच्छा बनता है। फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे निकल गए। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर शॉप में जाके ऐसा मैंने कुछ वो नहीं किया है, रैंडमली जो मेरे को मतलब मिला है मौका वो मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि मतलब पब्लिक को चलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर भी मैंने बहुत कोशिश करके जितना हो सका मेरे से मैंने कैप्चर किया है, तो आगे आपको वीडियो में यही सब देखने मिलेगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इसमें आपको आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर कितना रश है और क्या क्या वैरायटीज़ है और कितनी माशाल्लाह से रौनकें लगी हुई है। तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा। Thank you.
फिर मैं आ गई यहाँ पर दिल्ली बिरयानी हब में, और माशाल्लाह यहाँ का जो है मुरादाबादी पुलाव ये लोग का बहुत अच्छा होता है, और मलाई सीख बिरयानी भी बहुत अच्छी होती है। मैं लास्ट ईयर भी आई थी तो मैंने यहाँ पर पुलाव ट्राई किया था और सेम टेस्ट ये साल भी था, तो माशाल्लाह से ये पुलाव जो है मैंने ले लिया और इसको भी मैंने टेस्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट था। और आगे चल के देखिए आप ये शीरमाल, इसकी भी जो है बहुत अच्छी वैरायटीज़ थी, इनके पास काफ़ी किस्म का शीरमाल था। और माशाल्लाह से आपको ये वीडियो में यही सब चीज़ें देखने को मिलेगी, तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से मेरे 300 के ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं, माशाल्लाह से व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं और मुझे रिस्पॉन्स भी मिल रहा है अच्छा। तो ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि नए नए कंटेंट मैं आपके लिए ला सकूँ और आपके साथ चीज़ें सब शेयर कर सकूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। यह है नूरानी मिल्क सेंटर, और यहाँ का ये जो है मिल्क ड्राई फ्रूट मिल्क बहुत फेमस है और बहुत ही रश था यहाँ पर भी, और मैंने ये लिया और माशाल्लाह से ट्राई किया तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट था। तो आप देख सकते हो नूरानी मिल्क सेंटर एंड स्वीट सेंटर, और ये जो इनका ड्राई फ्रूट मिल्क था ये बहुत ही अच्छा था माशाल्लाह से। तो आप कभी मोहम्मद अली रोड जाओ तो ये भी ज़रूर ट्राई करना। और ये है मिठाई की शॉप, देखिए यहाँ पर कितनी वैरायटीज़ है, ये मॉडर्न स्वीट्स है और बहुत अच्छी वैरायटीज़ है। यहाँ से हमने ली है ये फिरनी, और ये माशाल्लाह से फिरनी का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर था इसका, तो ये भी हमने ट्राई कर लिया। ये है सुलेमान उस्मान मिठाई वाला, इनकी स्वीट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही ज़बरदस्त है, और माशाल्लाह से जैसे हम एंटर करेंगे तो पहले शॉप इनका ही है। फिर मैं आ गई यहाँ पर, और इनका जो है मैंगो मिल्क शेक बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था, और यहाँ से जो है हमने मैंगो मिल्क शेक ट्राई किया। इनके पास काफ़ी वैरायटीज़ थी, मोजीटो और फिर मोहब्बत का शरबत और काफ़ी कुछ वैरायटीज़ थी, लेकिन हमको मैंगो मिल्क शेक पीना था तो हम सब ने यहाँ पर जो है मैंगो मिल्क शेक लिया और ट्राई किया, तो इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। देखिए मेरे बेटे को कैसे मुस्कुरा रहा है, ये कैमरा देख के उसको हंसी आने लग जाती है और बोलता है मम्मा मेरा मत लो, मेरा अच्छा नहीं आता है। तो मेरे छोटे वाले बेटे को जो है व्लॉग्स बनाने का, कैमरे में वीडियोस बनाने का शौक है, लेकिन मेरे बड़ा वाला जो बेटा है वो शाय है, वो शर्माता है। तो माशाल्लाह से आप देखो कि मीनारा मस्जिद का नज़ारा कितना खूबसूरत, कितना उम्दा लग रहा है। तो आज का जो है इतना ही मैंने कैप्चर किया, क्योंकि जो है मेरे सर में काफ़ी दर्द था, मुझे माइग्रेन का पेन स्टार्ट हो गया था, तो मैं वहाँ से फिर जल्दी निकल गई थी। तो जितना हो सका मैंने आपके साथ शेयर किया है, और आगे भी मैं शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी तो मैं काफ़ी आपके साथ एक्सप्लोर जितना करूंगी वो शेयर करूंगी ज़रूर। तो
तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना और मेरे वीडियो को देखते रहना, मैं आपके लिए नए नए कंटेंट लाती रहूँगी। नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, प्यार बांटिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।